हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ अपने ही घर में। आज हम कोई मार्केट कवर करने नहीं जा रहे हैं, आज आप देखोगे आदू की शॉपिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आद्या अपना हॉल वीडियो लेकर आओ, आप इतनी मार्केट्स में घूमते हो, आप कैसे अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, आप शॉपिंग नहीं करते? ऑफकोर्स करती हूँ, बस रैंडमली मुझे जो भी कुछ अच्छा लगता है मैं पिक कर लेती, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी यूनिक होती हैं कि आप उसको ये लिए बिना, उसे परचेज़ किए बिना जा ही नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। सो बहुत सारी चीज़ें इस व्लॉग में आके आपको दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर लो, और बाकी तो सब आपको पता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट, और ये बेसिकली मेटल का है और उसके ऊपर ना रियल स्टोन्स लगे हुए हैं। रियल मतलब ऐसे सफ़ायर वगैरह नहीं है, बट रियल ही स्टोन्स हैं। और ये एडजस्टेबल है, पूरा मेटल का है, बहुत ही स्मार्ट पीस है। काफ़ी ऐसी ना, मतलब द मम्मी मूवी में जैसे होते नहीं हैं, क्या बोलूँ, इजिप्ट वाली इजिप्शियन ज्वेलरी नहीं होती जैसी, वो लग रहा था। सो वो मैंने लिया था 20 रुपीज़ का सदर कुतुब रोड से। नेक्स्ट मैंने ये बैंगल्स परचेज़ की थी और इसमें बहुत ही प्यारा बीट्स वर्क है, देख सकते हो आप। ये भी जो बैंगल्स हैं मेटल की है, और इसमें भी ना साइज़ थे 2-8, 2-6, बस यही साइज़ थे। तो जो बैंगल्स मैंने पहनी हुई है मेटल की, ये मैंने 30 रुपीज़ की परचेज़ की थी कुतुब रोड सदर बाज़ार से, ठीक है। इनमें साइजेस अलग अलग थे, बट क्या है यहाँ पे ज्वेलरी कभी भी कुछ भी आता है, तो ऐसा नहीं है सेम बैंगल्स आपको दोबारा मिलेंगे, इससे और भी कुछ बेटर मिल सकता है। नेक्स्ट मैंने कुतुब रोड सदर बाज़ार से ये इयररिंग्स परचेज़ किए थे ओनली ₹20। वहाँ पे हमेशा आपको सेल मिलेगी ही मिलेगी ज्वेलरी की, और ना बहुत से दिल्ली से बाहर के, दिल्ली के भी शॉपकीपर्स वहाँ पर आते हैं परचेज़ करने के लिए। देखिए ऐसे पूरी मतलब तैयार ऐसे पैकेट में आपको ज्वेलरी मिल जाती है, तो वो लोग सेल करते हैं इसे अपने एरिया में। ये भी मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ के इयररिंग्स पड़े थे। इसके बाद जो मैं आपको ये नेकलेस दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। इसमें टसल्स और ऐसे पोम पोम सब कुछ है, और क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। लाइक आप किसी भी वाइट शर्ट के साथ में या डेनिम का कुछ पहनो तो आप पहन सकते हो, सबका अपना अपना पर्पस है, अपनी अपनी स्टाइलिंग है। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹30, और मुझे स्पेशली पोम पोम वाली चीज़ और ऐसी कलरफुल आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इसी में एक और एड ऑन मैं कर रही हूँ, ये भी मुझे 40 रुपीज़ का सेट मिला था एक्चुअली। ये जो आप देख रहे हो ये नेकलेस है, और इसके साथ में सेम इयररिंग्स भी हैं। और ये सेम चीज़ ना मैंने सदर बाज़ार के एक होलसेल की शॉप पर भी देखी थी, बट वो लोग तो रिटेल देते नहीं, वहाँ पे ये चीज़ पैकेट में प्रॉपर लगी हुई थी। तो ये सेट मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ का, इसके साथ में मैचिंग इयररिंग्स हैं। अब मुझे नहीं पता मैं इसे कहाँ पहनूंगी और कहाँ नहीं, बट मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि मुझे पॉम पॉम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें भी, इसके नेकलेस में मिरर है और इसके इयररिंग्स में भी मिरर है, तो ये मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 40 का। वैसे आप कहीं शॉप में लोगे प्रॉपर तो ये आपको नाना करते, 100 से कम का तो नहीं मिलने वाला। अगला जो मैं आपको सेट दिखा रही हूँ ये पेंडेंट सेट है, और ये भी मेटल की है। जो चेन है इसकी बहुत ही प्यारी सी, इसके जो आप टसल्स देख रहे हो ना ब्लू वाले, जब ये आया था मैंने लिया था तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ा उड़ा सा था, बट मैंने इसे वॉश किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, जैसे हम हेयर स्ट्रेट करते हैं ना उस तरीके का। तो ये पेंडेंट सेट मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ का, अगेन सदर बाज़ार कुतुब रोड से, और इसकी भी जो स्टोन है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। इस तरीके की ज्वेलरी ना वहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी। देखो सबका अपना टेस्ट है, जो मुझे चीज़ें समझ आई मैंने ले ली वहाँ पे, अदरवाइज़ साड़ी के साथ सूट के साथ पहनने के लिए भी बहुत ज्वेलरी मिल जाती है, नथ भी मिल जाती है, नेकलेसेस मिल जाते हैं, सब कुछ। एक और क्यूट सा आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इयररिंग भी मुझे मिले थे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में, और ये मैंने पैकेट से बाहर निकाल दिए, बहुत टाइम तक ये मेरे ड्रॉअर में ऐसे ही खुला पड़ा है, तब भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके जरकन ब्लैक नहीं हुए। इसे नाना करते भी 1.5 महीने ऐसे ही हो गया है, मेरे उसमें पड़ा हुआ था ये ओपनली, और फेदर्स वगैरह भी इसके बहुत ही क्यूट मुझे लगते हैं। अब एक बार पहनने के बाद इसका क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद मैंने कुतुब रोड से ही ये फेशियल बैंड लिया था और अपने वीडियो में दिखाया भी था आपको, और मानोगे नहीं ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ का मिला है। उनके पास काफ़ी सारे थे इसी तरीके के, सेम ही कलर था, सेम ही डिज़ाइन था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
और उसका ये ऊपर Q2 सा स्ट्रॉबेरी भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का मिला था। अगर आप ऑनलाइन लोगे या किसी रिटेल शॉप से लोगे तो ये 100, 150, 200 का भी मिल सकता है। इसके बाद ये जो है ये बेसिकली किसी फ्लावर को कुछ और घंटों के लिए फ्रेश रखने के लिए है। इसमें आप इस स्टैंड में मतलब आप एक रोज़ फ्लावर डाल दो, लोटस फ्लावर कुछ भी, और इस ग्लास में पानी भर दो। इसका मेन पर्पस ये है, बट मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसे ही रखा हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने बटला हाउस मार्केट से परचेज़ किया था, सिर्फ 100 रुपीज़ का है ये। और इसमें ना मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जब मैं बाहर मार्केट से आती हूँ तो अपनी रिस्ट वॉच या अपने इयररिंग्स जो भी कुछ मैंने पहना होता है इसी ग्लास में डाल देती हूँ। पर ये बहुत क्लासी सा पीस है। इसके बाद जो मैं ये नेक पीस दिखा रही हूँ ये मैंने परचेज़ किया था तिलक नगर मार्केट से, और ऐसा मैंने एक बार पहले भी लिया था, वो घर में ही कहीं गायब हो गया तो मैंने दोबारा मार्केट से लिया क्योंकि घर में ढूंढने पर भी नहीं मिला। सो ये मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का। इसके जो मोती है ऑनिक्स वाले बहुत अच्छी शाइन है, नीचे पेंडेंट शायद रेजिन मटेरियल का होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। और ये चीज़ मेरे अभी तक की जितनी भी शॉपिंग है ना यार, उसका सबसे बेस्ट पीस है, सबसे बेस्ट। मेरा इस चीज़ पे इतना दिल आया, इतने बुरे तरीके से दिल आया कि मैं बता नहीं सकती। ये सिर्फ एक पेन स्टैंड है लेकिन ये इतना खूबसूरत है। अगर आपने मेरा कुतुब रोड का व्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको उसमें दिखाया है बकायदा इसकी फिनिशिंग। और ये टेबल पर रखा हुआ ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही रखा हो, देख रहे हो ना, ये पूरा 3D में है और कलर कंट्रास्ट वगैरह मतलब सब कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है। सो ये मुझे वहाँ से मिला था कुतुब रोड सदर बाज़ार से सिर्फ 150 रुपीज़ का। और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर रैंडमली मिल जाया करती हैं। और ये मैं चाय बिस्किट नहीं खा रही हूँ, ये मैंने लिए थे फ्रिज मैग्नेट्स उत्तम नगर की ट्यूसडे मार्केट में, वो भी मैंने आपको दिखाया था। वहाँ पर एक दीदी जी आपको मिलेंगी और उन्होंने ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स लगा रखे थे सेल में, तो कुछ थे जो उनके पास में 150 के दो थे, कोई थे जो 100 का एक था, ऐसे ही थे रैंडमली। तो जहाँ तक मुझे याद है इसमें से एक 50 का है और दो बाकी 100 रुपीज़ के हैं। और वैसे आपको और सस्ता चाहिए तो लाल किला का जो मीना बाज़ार है उसमें मिल जाते हैं 50-100 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छे। ये भी जहाँ से मैंने लिया ना उन दीदी के पास में सारी डिशेस थी, सारी इसी तरीके के मिनिएचर में। आप उनसे छोले भटूरे ले लो, पानी पूरी ले लो, जो भी आपका फेवरेट फूड है ना उसका आप ऐसा मिनिएचर वाला मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट ले सकते हो। तो मुझे यार पता नहीं इतने क्यूट लगते हैं फ्रिज मैग्नेट्स, देख रहे हो आप जैसा जो चीज़ होती है एग्जैक्टली उसको उसी तरीके से फ्रेम किया गया है, आई रियली लव्ड इट। इसके बाद जो नेक्स्ट ये आपको मैं दिखा रही हूँ ये भी मेटल की छोटी सी डिबिया है और ये मैंने कुतुब रोड से ही ली थी फॉर ओनली 30 रुपीज़। ये मैंने 30 की ली थी और उनके पास वैसे जो नॉर्मल वाली रहती है वो 20-20 रुपीज़ की दे देते हैं, ये मेटल की थी इसलिए 30 की थी। तो ये मैंने उन्हीं आंटी से परचेज़ किया जिनसे मैंने अभी आपको दिखाया मैंने पेन स्टैंड लिया है, उनके पास ऐसा फेंग शुई वाला सामान मिलता है तो वो आप ले सकते हो। आगे जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था मटेरियल क्या है, ये मेटल है वैसे मुझे इतना पता है। और बेसिकली इसमें आप दिया रख के जला सकते हो, उसे इधर उधर से हवा नहीं लगेगी। और ये देखो ये लोहे का बना हुआ है क्योंकि ये मैग्नेट है, ये चिपक गया तो ये लोहे का बना हुआ है। और ये गणेश जी का ये जो है पूरा दीपदान बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, तो इसमें अंदर एक शीशा लगा हुआ है बट वो टूटा हुआ है पता नहीं कैसे, पर बहुत अच्छा मुझे पीस लगा। तो ये मैंने सदर बाज़ार से लिया था उसी कुतुब रोड से सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ का। अब ये एक दिन की शॉपिंग नहीं है, जब जब मैं कुतुब रोड पर गई हूँ कुछ भी मुझे रैंडमली चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने वहाँ से परचेज़ कर ली, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सब कुछ मैंने जानबूझ के लिया है, मैं कभी भी कुछ भी ले लेती हूँ। अगला जो मैं दिखा रही हूँ ये भी पेन स्टैंड है और काफ़ी सॉलिड है, वुडन है, ये मुझे मिला था सदर कुतुब रोड से अगेन सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ का। वहाँ पे क्या है ना रैंडमली कुछ भी आ जाता है, जैसे कोई गिफ्ट शॉप है उन्होंने अपना पुराना सामान खाली किया और वो किसी ने स्टॉक खरीद लिया उनसे पुराने सामान का, तो इस तरीके का सामान वहाँ पर आ जाता है। कोई ऐसे किनारी बाज़ार वाला कभी सामान ले आता है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। अब जो मैं आपको ये बीट्स वाला हेयर बैंड दिखा रही हूँ ये मैंने लिया था जनकपुरी C4 से, वहाँ पे मैं आपको एक यूनिक बहुत ज्वेलरी वाले भैया दिखाती हूँ, आपको पता होगा जिनके पास बहुत एंटीक ज्वेलरी रहती है, सो उनसे मैंने परचेज़ किया था। और ये है 100 रुपीज़ का। इसका एक और मैंने लिया था
ग्रीन कलर का, बॉटल ग्रीन कलर का वेलवेट का हेयर बैंड, अभी वो घर में मिल नहीं रहा। वो बहुत सुंदर है, काफ़ी चौड़ा है और उसके ऊपर ना जरकन का काम है, काफ़ी सुंदर सा, बहुत हैवी पार्टी वेयर है। तो वो घर में मिल नहीं रहा अभी, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। तो 100 रुपीज़ में मैंने वो लिया था। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली मैंने इस संडे ये 8-in-1 गेम परचेज़ की है, वर्थ ₹180। ये मैंने सदर क्रॉकरी मार्केट से लिया है, अभी मैंने कल परसों जब भी ब्लॉग ये डाला है मैंने उसमें आपको दिखाया भी है। तो ये 180 रुपीज़ की गेम है, इंडोर गेम है, इसमें जितनी भी आप देख रहे हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसकी डिटेलिंग पढ़ सकते हो। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी ये वैसा नहीं निकला। हो सकता है कुछ लोगों को सूट करे, पर मेरे लिए फ़िलहाल ये थोड़ा सा बोझ हो गया है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये खरा नहीं उतरा। तो डिटेल्स आप इसकी पढ़ लेना आराम से। बाकी यही है कि भाई ये 3+ के ऊपर के बच्चों के लिए है, बाकी उनसे छोटे वाले ये ना ही खेले तो बेटर है। 8-in-1 है, किटकैट गेम्स हैं, बट बेटर ये रहेगा कि आप इतने में ना इंडिविजुअल गेम्स ले लो। मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ क्यों। फिलहाल ये मैंने लिया था सदर क्रॉकरी मार्केट से। एक्चुअली ये गेम मुझे बिल्कुल सील्ड पैक मिली थी, और आप कोई भी फ्रेश गेम खरीदोगे ना मार्केट में तो वो आपको इसी तरीके की सील्ड पैक ही मिलेगी। है ठीक है, मेड इन इंडिया है, ठीक है, अच्छी है क्वालिटी, बाहर से अच्छी है। गेम्स वगैरह मैंने आपको इसकी दिखाई दी हैं, तो आप इसे रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब मैं इसकी ओपनिंग करने जा रही हूँ। तो ये मैंने इसकी पॉलीथिन उतार दी है, और अंदर इसमें आपको वैसे ही कार्डबोर्ड मिलेगा जैसा हर गेम में होता ही है कि ये कूड़ा है। ओके गाइस, ये भी हॉल का पार्ट हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। तो ये है, और इसमें चेस भी है ना इंक्लूडेड, तो इसमें आपको ब्लैक और वाइट वाली वो गीटियाँ भी मिल जाएंगी। अब देखो पोपट हो गया, मतलब इतने बड़े, मुझे लगा यार हर एक उसमें ना एक अलग अलग, मतलब ऐसे गेम ऐड ऑन कर रखा होगा, बट इन्होंने एक ही बोर्ड पे 4 गेम डाल दी, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे 4 गेम डाल दी। अब ये हुआ इसमें, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। आप लोग तो भूल के भी मत लेना 8-in-1। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मतलब इसे ना घुस घुस के झांकना पड़ रहा है क्या लिखा है, कौन सा नंबर है। और अगर खेलने वाले ज़्यादा हैं तब तो और भी ज़्यादा बेकार है, तो इट्स रियली नॉट वर्थ। बाकी और कुछ खास इसमें है नहीं, जैसे है तो ब्लैक और वाइट ये दोनों मिले हुए हैं, और इसकी जो बाकी की ये है इसमें ब्लू की भी 4 कम्प्लीट नहीं है, 3 ही है इतनी सील पैकिंग होने के बाद भी। सो इट्स काइंड ऑफ यूज़लेस, मत लेना आप लोग। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मैं आपको ये बैग दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, गेस करो। यस यू गेस राइट, ये मैंने ज़ारा बैग वाले भैया से लिया था इंद्रलोक में। इस पे बहुत हैवी बीड्स वर्क है फ्रंट पर भी और बैक पे भी, और ये काफ़ी हैंडी है और थोड़ा छोटा नॉर्मल साइज़ है, ठीक है, जैसा आप किसी फंक्शन या पार्टी में लेके जाते हो सिर्फ उतना ही साइज़ है। अंदर इसका फैब्रिक बहुत प्रीमियम है, इसकी स्टिचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है। तो ये मैंने परचेज़ किया था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का ज़ारा बैग वाले भैया से। अब आपको पता है वो कभी भी कुछ भी लाते हैं, कभी इस तरीके का बैग लाएंगे, कभी किसी और तरीके का बैग लाएंगे। तो जिस दिन मैंने ब्लैक वाला लिया था उसी दिन मैंने ये रेड वाला भी उनसे परचेज़ किया है। अब ये थोड़ा बड़ा साइज़ है और इसमें काफ़ी आपका सामान आ सकता है, और पास से आप इस पे काम देख सकते हो, पूरा हैंडवर्क है, पूरा हैंडवर्क है, और ये ना काफ़ी अच्छे सैटिन मटेरियल में बनाया गया है। इसमें स्पेस ज़्यादा है, और मुझे याद है जिस दिन मैं ये बैग ले रही थी उस टाइम काफ़ी लेडीज़ ने ये वाले बैग्स छोड़ दिए थे क्योंकि उनको जिप वाले बैग चाहिए थे। तो मुझे तो बटन्स वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बटन्स वाले ले लिए। अंदर देख सकते हो आप इतना शाइनी फैब्रिक है, बहुत बहुत प्रीमियम फील है। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इस तरीके के बैग्स वैसे मार्केट में कहाँ मिलेंगे और इनकी रियल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि भैया से मैंने ये दोनों ही 100 रुपीज़ के लिए, रेड वाला भी और ब्लैक वाला भी। तो ज़ारा बैग वाले भैया के पास कभी भी कुछ भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ दोबारा सेम मिल जाए, कभी भी उनके पास कुछ हटके मिले तो छोड़ना मत। ओके, अब एक और बैग यहाँ पे आपको मैं दिखाने जा रही हूँ जो कि अभी तक की मेरी बेस्ट परचेज़ है बैग्स में। इसका मटेरियल है पैराशूट का, जो कि अभी रेनी सीजन में बहुत हेल्पफुल है। इसमें आपका कोई भी सामान है ना कुछ भी ख़राब नहीं होगा, मंगोलिया ब्रांड का है, और ये मैंने परचेज़ किया है इंद्रलोक से ही, ब्रांडेड बैग वाले भैया की शॉप से। अभी जब भी लास्ट थर्सडे मार्केट लगा था उसी दिन मैंने परचेज़ किया है, और मैंने आपके साथ वीडियो में भी शेयर किया था। तो इसकी अभी देख लो आप, मैंने पॉलिथीन वगैरह कुछ भी नहीं उतारी है, मुझे तो बस इसका कलर ही ऐसा है, मतलब मैं कलर देख के मर मिटी, और तो क्या ही चाहिए था। साइड में इसकी डिटेलिंग वगैरह बहुत गजब की है, और इट फील्स सो प्रीमियम।
इसका जो रेट है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 550-600 इसी तरीके का है। और इसमें भैया के पास ग्रे कलर भी आते हैं, ब्लैक कलर भी आता है। अगर ये आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भैया का नंबर दिखाती हूँ ना मैं वीडियो में, उनको भेज देना, क्योंकि ये अच्छा है। अगर आप वर्किंग हो तो भी आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसे अंदर से भी दिखा देती हूँ। इसमें अंदर फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पॉकेट्स वगैरह, और एक्स्ट्रा स्लिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कलर्स मैंने आपको बता दिए, इसमें ग्रे भी है, ब्लैक भी है, और एक ये शेड है। और भी कोई आते होंगे तो मुझे पता नहीं, वैसे ब्रांडेड बैग वाले भी ऑनलाइन भी दे देते हैं। तो इस तरीके का बैग आप घर बैठे भी परचेज कर सकते हो, इसकी क्वालिटी अच्छी है। अदरवाइज़ उनके जितने भी बैग्स मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, आपको जो भी और पसंद आए आप परचेज कर लेना, ओके। ये भैया जो है जनकपुरी C4 मार्केट भी लगाते हैं और मोती नगर में लगाते हैं वेंसडे को, तो आप इन मार्केट्स में जाके भी परचेज कर सकते हो। इंद्रलोक में तो वो आते हैं ब्रांडेड बैग वाली गली में। नेक्स्ट जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, ये मुझे भी नहीं पता क्या है। ओके, पहले मैं आपको ये कुशन कवर्स दिखा देती हूँ जो कि मैंने परचेज किए थे सीलमपुर के थर्सडे मार्केट से। सो वहाँ से मैंने ये लिए थे ओनली 50 रुपीज़ के दो, और ये दोनों ही कॉटन फैब्रिक में हैं। इसकी आप साथ में एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो, फ्रेश हैं दोनों के दोनों। और उनके पास ना भैया के पास काफ़ी मतलब ऐसे इसी तरीके के पिलो कवर्स भी थे, कुशन कवर्स भी थे और सोफ़ा कवर्स भी थे, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए ये कुशन कवर्स लिए हैं, जस्ट टू चेक कि वॉश करने के बाद इनका कलर चला ना जाए थ्रेड्स का। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खैर काफ़ी बढ़िया मुझे लगे ये मैंने परचेज़ किए हैं। पीछे इसमें जिप भी दी हुई है प्रॉपर। सीलमपुर में या रैंडमली एक गली में मैं घुस गई थी, अब ये मत पूछना कहाँ से लिया है, मुझे नहीं पता। और सीलमपुर से ही एक और मैंने खूबसूरत सा ये पैच लिया है, जिसका मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, बस मुझे अच्छा लगा, मेरी आंखों को भा गया तो मैंने परचेज़ कर लिया। और इसका ना मुझे एग्जैक्टली रेट याद नहीं है, ये कुछ 50 से 150 के बीच का एक पीस था, या 100 था या 150, ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक सीलमपुर थर्सडे मार्केट में अचार वाली गली है, जहाँ पे मैंने आपको उस व्लॉग में साड़ी वाले भैया दिखाए थे और लहंगे वाले भैया दिखाए थे, है ना। उन्हीं भैया के बिल्कुल सामने ये भैया शॉप लगाते हैं। इनके पास ना इसी तरीके के 1-1 मीटर के फैब्रिक रहते हैं, डायबल भी और ऐसे वर्क वाले भी, और वो पर पीस सेल करते हैं। जैसे कैलेंडर होता है ना, घर में कैलेंडर टंगा होता है, बहुत सारे उसमें पेपर्स लगे होते हैं एक के नीचे एक, इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे फैब्रिक्स टांग रखे होते हैं। तो काइंड ऑफ मे बी वो किसी फैक्ट्री में जाते हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, ट्रायल के लिए जाते हो, या फैब्रिक्स की वो कैटलॉग है क्या है मुझे नहीं पता। फ़िलहाल उसी तरीके का एक कैटलॉग था जिसमें से मैंने ये परचेज़ किया। इसका एक और खूबसूरत वर्जन था ब्लैक कलर में, वो ऑलरेडी किसी ने ले लिया था तो वो मुझे नहीं मिल पाया। ओके, तो ये मैंने कुछ 100 या 150 रुपये का ही एक पूरा पैच लिया था। अगला जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये पूरा लेसेस का सेक्शन है, और अभी भी मेरे पास पता नहीं कितनी लेसेस है और कहाँ कहाँ रखी है, मुझे खुद नहीं याद। छोटे छोटे पैचेस, फ्लावर्स और पता नहीं क्या क्या मैंने इकट्ठा किया हुआ है मार्केट से। फ़िलहाल जो मुझे हाथ लगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने इंद्रलोक से ही परचेज़ की है, जो झूले वाला पार्क है उसके कॉर्नर में, जहाँ पे आंटियाँ लोग 100-100 रुपये की ज्वेलरी सेल करती है ना, वहाँ पे एक दुकान है। तो वो भैया कभी भी कुछ भी लाते हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सेम चीज़ आपको दोबारा मिल जाए। मार्केट में कभी भी कुछ आपको ऐसी चीज़ पसंद आए जो आपको पता है अरे यार ये तो कहीं नहीं मिलती, यहाँ कैसे मिल गई, या इसका रेट तो बहुत ही जायज़ है, तो मत छोड़ा करो, फिर ले लिया करो। तो इसमें भी मैंने काफ़ी 3-4 अलग अलग पैटर्न्स परचेज़ किए थे। प्राइस मुझे याद है, ये मैंने 20 रुपीज़ मीटर के हिसाब से लिया है। अब मुझे अभी भी कुछ नहीं पता मैं इसका क्या करूँगी, पर ये सुंदर है। तो ये मुझे मिली थी 20 रुपये मीटर के हिसाब से। जो मैंने आपको दिखाई वाइट वाली, वो जॉर्जेट के फैब्रिक पे है, इसका फैब्रिक मुझे नहीं पता। और ये पतली सी जो आप देख रहे हो, ये कुछ 10 रुपये मीटर या 5 रुपये मीटर के हिसाब से थी, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ये भी मैंने उन्हें भैया से ली थी। और इन सब की भी एक और बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लेस है, और वो ये है। जैसी वाइट वाली थी वैसी ये ब्लैक है, और इसका फैब्रिक है जॉर्जेट। मतलब फिनिशिंग देख सकते हो यार, जिस पे लगेगी नहीं ना, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाने वाली है। अब मैं बैग पे लगाऊं या ड्रेस पे या कुर्ती पे या किसी टॉप पे मुझे भी नहीं पता, बस मैंने ये ले लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा। अब इस ब्लैक में भी दो हैं, एक ये जो मैं दिखा रही हूँ इसमें रेड रेड ज़्यादा है, और इसी का एक मिलता जुलता दूसरा पीस मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि उसमें ब्लू ब्लू ज़्यादा है। और दोनों का ही सेम प्राइस था 20 रुपीज़ मीटर के हिसाब से।
तो आई नो आप में से बहुत लोग स्टिचिंग जानते हो, मैं तो जानती भी नहीं हूँ स्टिचिंग, मुझे नहीं आती, कैसे मैं कहाँ लगाऊंगी मुझे खुद नहीं पता। पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें कभी मिलती है ना तो ले लिया करो, इतने मतलब इतना सोचने वाली बात नहीं होती है। ओके तो ये मैंने दिखा दी आपको लेसेस, अभी भी मेरे पास बहुत सारी है, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ रखी है, पॉम पॉम वाली और टसल्स वाली बहुत कुछ है। और कुछ लेसेस ऐसी भी मिलती है जिसमें यही फ्लावर्स कटवर्क में होते हैं, वो थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन, और यही सेम लेस आपको ग्रीन मार्केट में भी मिलती है, लेकिन वो भैया पूरा बंडल देते हैं, वो मीटर के हिसाब से नहीं देते, और मुझे चाहिए थी मीटर के हिसाब से। तो ये सब मेरा सारा लेसेस है, अभी और भी हैं बहुत सारी, जब भी मिलेगी नेक्स्ट कभी वीडियो में दिखाऊंगी। एक और खूबसूरत सा पैच मैं आपको दिखा देती हूँ जिनसे मैंने लेस ली है, उन्हीं से कभी किसी और दिन मैंने ये पैच भी लिया था। तो ये आप किसी ब्लैक शॉर्ट कुर्ती पे या किसी शर्ट पे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो, कॉटन ही फैब्रिक है और इसकी एम्ब्रॉयडरी क्या बोलूँ मैं, गुजराती या राजस्थानी मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, पर ये इस तरीके के इसमें दो गले बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये भी। तो ये मुझे जहाँ तक याद है 50 के अंदर अंदर में ही मिला है, ये दोनों पीसेस 50 के अंदर अंदर में ही थे, सस्ता था इसीलिए लिया था, अगर कॉस्टली होता तो मैं भी नहीं लेती। और वीकली मार्केट्स तो यार आपको पता ही है सब बजट फ्रेंडली रहता है, तो फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हो, इंद्रलोक विजिट करते रहो, घूमते रहो, कभी भी यहाँ पर कुछ भी मिल जाता है। और ना रिसेंटली मैंने अभी सदर बाज़ार से ये पैन परचेज़ किया है जो कि ट्राईप्लाई में है, हॉकिंग्स का है तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, गांधी स्टील नाम से सदर का जो डिप्टीगंज है, बर्तन मंडी जिसे हम कहते हैं, तो डिप्टीगंज में गांधी स्टील नाम से एक बहुत ही फेमस शॉप है, वहाँ पे आपको हॉकिंस के ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स मिल जाएंगे और इसमें मैं भी नज़र आ रही हूँ। और इसको मैं अभी पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो भी थोड़े लग रहा होगा आपको स्क्रैचेस आ गए, इसके साथ में लिड भी है और इसका जो हैंडल है वुडन लुक में है, बहुत ही अच्छा। ये मैंने लिया है बेसिकली लाइक वेजिटेबल्स वगैरह सॉटे करने के लिए कभी, या जैसे हम भिंडी या कुछ ऐसा बनाते हैं ना करेला वगैरह, तो अच्छे से फैला के फिर उसमें पक जाता है। और इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील है तो जलने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसे थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम में ही खाना पकाओ तो कभी कुछ नहीं होता। तो ऑनलाइन आप इसका प्राइस चेक कर सकते हो, ये 26 सेंटीमीटर वाला है बेसिकली, ये मुझे भैया की शॉप से 1610 रुपये का पड़ा है, जो कि जब मैंने ऑनलाइन देखा था इसका प्राइस तो मुझे कुछ 1850 का दिखा रहा था। सो गांधी स्टील नाम से शॉप है, वहाँ से मैंने परचेज़ किया है, हॉकिंस का सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगली जो मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ ये है मेरी बेडशीट, जो कि मैंने चांदनी चौक क्लॉथ मार्केट से परचेज़ की थी, और जिस शॉप से परचेज़ किया था उस वीडियो में मैंने बताया भी है और आपको इसके बहुत सारे कलर डिज़ाइंस भी दिखाए थे। अभी इसी वीक मेरे पास किसी का मैसेज भी आया था, वो भी सेम शॉप पे गई थी और सेम प्राइस वाली बेडशीट्स लेकर आई थी। मैम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो कमेंट ज़रूर करना। मैंने वहाँ से 3 ली थी, एक ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो वॉशिंग मशीन में पड़ी हुई है, अभी बाकी जो 2 है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे जितने प्रिंट्स दिखा रहे थे भैया उसमें सिर्फ ये 2 समझ में आए, कॉटन की है, क्वीन नहीं है, किंग साइज़ है, और इसका प्राइस जो मुझे मिला वो है 290 रुपीज़। उनके जो प्राइसेस हैं काफ़ी जेन्युइन है। बाकी आप चाहो तो चांदनी चौक क्लॉथ मार्केट का मेरा वीडियो देख सकते हो, जितना भी होम डेकोर एग्जिस्ट करता है वो सब उस मार्केट में आपको मिलेगा, होलसेल में भी और पर्सनल यूज़ के लिए रिटेल में भी आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो, प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी, गिफ्टिंग पर्पस, अभी आगे दिवाली आ रही है, शादियों का सीज़न है, तो बेडिंग या जो बाथरोब सेट्स होते हैं या टॉवल सेट्स होते हैं, कुछ भी आपको गिफ्ट करना हो वो सब वहाँ पे मिल जाता है। तो ये 2 अलग अलग प्रिंट्स मैंने लिए थे, ये मुझे 290 290 290, इस तरीके से मैंने 3 बेडशीट्स ली थी। दूसरी वाली जो है वो ग्रीन और पिंक के कंट्रास्ट में है, उसका भी ना फर्स्ट वॉश में कलर निकला था और निकलता ही है, कॉटन में थोड़ा सा निकलता ही है, बट अभी ओके है। तो फैब्रिक अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, उस ब्लॉग में आप जाके देखोगे तो आपको शॉप पता चल जाएगी, अभी मुझे शॉप का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके बाद अभी बस इसी संडे को मैंने ये एक गोलू मोलू सा बॉटल परचेज़ किया है ओनली फॉर ₹120, और ये प्लास्टिक में है बट ये मेड इन इंडिया ही है, आओ चलो ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। तो मैं आपको कह रही थी ना कभी भी कोई बॉटल लो तो उसे चेक करवा के ज़रूर लेना, तो ये बॉटल मैंने लिया, भैया से इसमें पानी डलवाया और फिर लीकेज चेक की है और तब जाके मैंने परचेज़ किया है। तो आप भी चाहे 100 रुपये वाली लो, 50 रुपये वाली लो या 400 वाली लो, कोई भी बॉटल लो, लीकेज उसकी ज़रूर आपको चेक करनी है। इसका जो कैप है वो भी स्टील का है, तो ओके ओके क्वालिटी लगी मुझे, मैंने अपने लिए नहीं लिया है, किसी ने मेरे से मंगवाई थी तो ली है। अब मैं आपको कुछ अपना ये
टॉप दिखा देती हूँ जो कि मैंने सरोजनी से परचेज़ किया था। ये बेसिकली शिफॉन फैब्रिक में है और थोड़ा सा ना ट्रांजी है, तो अभी तक तो मैंने पहना ही नहीं है कहीं पर भी, बट मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत लगी। मैंने आपके साथ में ये टॉप शेयर भी किया था सरोजनी के ब्लॉग में। भैया इसका प्राइस कोट कर रहे थे 400, बट मैंने ये लिया है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का। ये टॉप कम नाइट सूट ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसमें जो लेसेस और फ्रिल्स का पैटर्न है ना, इट रियली लुक्स कूल। चाहे आप शॉर्ट्स के साथ में पहनो या आप इसे किसके साथ, स्कर्ट के साथ पहनो, किसी के साथ में भी पहनो। तो वाइट मुझे वैसे पसंद नहीं है, बट इसे मैंने ऐड किया क्योंकि मेरे पास वाइट बहुत ही कम कपड़े हैं, बहुत ही कम। तो आई रियली लाइक इट, और इसकी स्लीव्स पे भी, पूरी स्लीव्स पे इस तरीके की फ्रिल्स है। फैब्रिक सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके बाद जो दूसरा ये कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बहुत हैवी पम पम्स लगे हुए हैं, और ये मैंने ली थी इंद्रलोक से। इंद्रलोक में एक शॉप लगती है दिल्ली कलेक्शन, जो शॉप मैं आपको दिखाती हूँ ना, जो भैया मेरठ से आते हैं सूट्स वाले, उनके शॉप के बिल्कुल पास में कुर्तियों की एक शॉप लगी हुई थी, और मैंने पहले कभी वहाँ नहीं देखी थी, तो वहाँ से मैंने ये कुर्ती परचेज़ की थी ओनली फॉर रुपीज़ 400। अदरवाइज़ ये तिलक नगर में मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। इस पैटर्न की कुर्ती जो है वो 1100 से लेके 1500 रुपए की मिलती है, और ये ऑफ वाइट कलर में है। इसका पूरा वर्क एकदम बराबर है, लेसेस वेसेस सब कुछ अच्छा है। मैं सोच रही हूँ इसे डाई कराने की, बट देखते हैं क्या करेंगे। अभी तक तो मैंने इसे कहीं पर वेयर भी नहीं किया है, सो आई रियली लाइक इट। और नेक्स्ट जो कुर्ती है, अभी ये मैंने मन्नू भैया से ली थी, ब्रांडेड कुर्ती वाले भैया जो मैं आपको दिखाती हूँ, मन्नू भैया इंद्रलोक में। सो उनसे मैंने ससफराज वाले ब्रांड की कुर्ती परचेज़ की थी। इसका टैग मैं उतार चुकी हूँ क्योंकि मैंने इसे वॉश कर लिया है। ये प्योर क्रेप का फैब्रिक है, और फैब्रिक की शाइन आप देख सकते हो, स्मॉल साइज़ है तो मुझे तो परफेक्टली फिट है, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। और ये बेसिकली एक फ्लोर लेंथ तक की अनारकली कुर्ती है, ट्रेली लुक्स प्रीमियम। और इसका जो MRP था गाइस वो 3500 अप्रॉक्स था, बट भैया की शॉप पर ये मुझे मिली थी सिर्फ और सिर्फ 600 में, स्मॉल साइज़। अब इसका स्टॉक है या नहीं ये मुझे नहीं पता, और इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। एंड कल इंद्रलोक थर्सडे मार्केट है, लेकिन मेरा फीवर अभी तक भी उतरा नहीं है। आई एम नॉट श्योर कल मैं इंद्रलोक आ पाऊँगी या नहीं, तो व्लॉग का वेट मत करना। अगर व्लॉग आना होगा तो 9 बजे शार्प आ जाएगा, अगर नहीं आया तो समझ जाना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं गई। बस प्रे करना कि मेरा फीवर ठीक हो जाए, सुबह से 100 और 99 के बीच में अटका हुआ है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टेक केयर।